Hello my dear students, in this video we will discuss about the lesson water class 8 ICSE. This is part first video. In this video we will discuss about water cycle and the properties of water. So let's start one by one. My name is Sadashiv Thackeray and you are watching Knowledge Planet. So students, you know that water is a very essential part of our life. तो जो हमारे अर्थ के ऊपर 71% is covered by the water. कितना water है? 71% water available है. तो आउट ऑफ 71% 97% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशियन. तो ओशियन वाटर कितना है? 97% है अवेलेबल वाटर से. तो ओनली 3% वाटर इज़ यूजफुल. ये जो 97% है उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते, उसको ड्रिंक भी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर द ड्रिंकिंग और फॉर द यूजिंग पर्पज. सो ओनली रिमेनिंग कितना बचा अभी? 3%, मतलब 2.5% आउट ऑफ 71% ओनली 2.5% इज रिमेन फॉर द यूजिंग पर्पज. ड्रिंक कर सकते हैं उसका हम, या ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए हम कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें से भी मैक्सिमम वाटर किस में लॉक है? उसका आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड मैनी वाटर्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड में प्रेजेंट है. तो आउट ऑफ 2.5 ओनली 1% वाटर इज रेडिली अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर एंड दैट वाटर कैन वी कंज्यूम. तो ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर अस. तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कितना वाटर अवेलेबल है अभी? खाली 1% अवेलेबल है. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ वाटर साइकिल. तो क्या है वाटर साइकिल? वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच देर इज़ अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन. वहाँ पे कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो रहा है किसका? वाटर का, फ्रॉम अर्थ सर्फेस टू द एटमोसफियर. जो अर्थ का सर्फेस है वो सर्फेस के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है. मतलब वाटर came towards the atmosphere as a vapor or as a gaseous state में. वो लिक्विड जो था ग्राउंड पे ऊपर, उसका क्या हो रहा है? वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं और ऊपर जा रहा है एटमोसफियर में. आफ्टर दैट केम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. वो क्या हो रहा है? वेपर स्टेट बाद में और नीचे आ रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है. मतलब ये पूरा साइकिल कम्प्लीट हो रहा है. पहले जो सरफेस के ऊपर जो वाटर था उसका कन्वर्जन किस में हो गया? वेपर्स में हो गया और वो एटमॉस्फेयर में गए. उसके बाद क्या हो गया? वो वेपर्स का अगेन केम डाउन बैक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज अ वाटर. ओके, ये जो वेपर स्टेट है बाद में वो लिक्विड स्टेट में आ गए. तो इसको कहते हैं, ये साइकिल पूरा हो गया, इसको कहते हैं वाटर साइकिल. इट हैपन्स रिपीटेडली. ये कैसे हो रहा है? रिपीटेडली हो रहा है एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर हो रहा है. तो उसको एक साइकिल बन रही है तो उसको कहते हैं हम वाटर साइकिल. ओके, नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम we can watch the easily there is a water cycle. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसमें चार stages है. The first stage that is the evaporation. Evaporation में क्या हो रहा है? ये जो surface ground के ऊपर जो water available है, okay, ये water का क्या हो रहा है? Evaporation हो रहा है. मतलब due to the heat water, liquid water changes to the vapor state. Okay, और gas state में उसका conversion हो रहा है और वो atmosphere में जा रहा है. ना उसके बाद क्या हो रहा है? और एज वेल एज जो हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स ऑल्सो गिव्स आउट द वाटर फ्रॉम देयर लीव्स. लीव्स में से वाटर क्या करते हैं? वो बाहर वेपर स्टेट में भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड दैट रिजल्ट इन द ट्रांसपिरेशन. उसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है? जो ट्रीज है, द ट्रीज क्या करते हैं? वो लीफ में से वाटर वेपर स्टेट में भेजते हैं. ओके, तो दैट वाटर क्या हो रहा है? सरफेस फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है? इवेपरेशन हो रही है. ओके, इवेपरेशन मतलब क्या? सरफेस के ऊपर का जो वाटर है उसका इवेपरेशन स्टेट में जाके वो एटमॉस्फेयर में जाना, उसको बोलते हैं इवेपरेशन. साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? जो कुछ ट्रीज अवेलेबल है, ट्रीज में से, लीव्स में से क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द इवेपरेशन. ओके, तो फर्स्ट हुआ इवेपरेशन. इवेपरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड वाटर जो सर्फेस के ऊपर था उसका वेपर स्टेट में होके वो एटमोसफियर में जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, द वाटर वेपर्स राइज अप इन द एटमोसफियर. जो वाटर वेपर्स वहाँ पे ऊपर जाके एटमोसफियर में जमा होते हैं. एज अ एयर हायर अप इन द एटमोसफियर हीवी क्लाउड. तो उससे क्या बनता है? क्लाउड बनता है. तो उसको कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस. द वाटर वेपर्स कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस. तो उसके बाद क्या होगा? वेन द क्लाउड गेट सैचुरेटेड एंड टू हीवी, तो क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स दे प्योर डाउन एज अ रेन. जब ये इसका वो हीवी बनते हैं वो क्लाउड, तो उसका क्या होगा? ये वाटर के फॉर्म में
नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्या होगा, ये वाटर और ग्राउंड लेवल में सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या क्या हुआ, पहले इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होगा, लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, ऊपर जाके क्लाउड में फॉर्म हो गया, क्लाउड हेवी हो गए, हेवी होने के बाद क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो नीचे आ गया। तो ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो टू डिस्कस बिफोर वाटर की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के पहले हम वाटर का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। वाटर मतलब क्या है, H2O। ओके, H2O मतलब हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन, एंड दिस इज हाइड्रोजन। ओके, इसकी अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और वो ऐसे दिखता है। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, द फर्स्ट वन नेचर। वाटर का नेचर कैसा है, वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। वाटर का कलर है क्या, नहीं, टेस्ट, नो टेस्ट, एंड ऑडर भी नहीं है। एंड इट इज अ ट्रांसपेरेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। अगर उसका प्योर फॉर्म है तो ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, नाउ सेकंड फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म्स मतलब फिजिकल स्टेट क्या है। वी नो दैट द वाटर एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट, मतलब तीनों ही स्टेट में वो प्रेजेंट है, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। ये तीनों इंटरचेंज होते हैं, कैसे, फर्स्ट स्टेप दैट इज अ सॉलिड, अगर सॉलिड में प्रेजेंट है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस के फॉर्म में वो प्रेजेंट है तो उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको मेल्ट करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, उसका लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म मतलब रूम टेम्परेचर वो आने के बाद, मतलब 100 डिग्री तक आने के बाद उसका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगा। एंड अगर उसको और हमने बॉयल कर दिया, मतलब टेम्परेचर अगेन उसको इंक्रीज कर दिया, तो वो लिक्विड स्टेट विल कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, मतलब क्या होगा, उसका वेपर्स फॉर्म होंगे, उसके स्टीम फॉर्म होंगे, मतलब 100 डिग्री के ऊपर। ओके, तो 100 डिग्री में उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे वेपर स्टेट फॉर्म होगा। मतलब वाटर कैन फॉर्म इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ नेक्स्ट कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी मतलब वो कंडक्टर है या नहीं है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके, आपको लगेगा कि वाटर में तो हमें शॉक लगता है, तो अपना जो घर भी जो हम वाटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट प्योर वाटर, उस वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ देर इज अ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी, दैट इज अ सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। अगर वाटर के अंदर सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट है तो ही वो क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मतलब प्योर वाटर क्या है, कंडक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा है 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है एट अ सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट पे इम्पैक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक, वहाँ पे कितना है, मतलब डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी वाटर में कितनी है। समझो ये वाटर है, तो वाटर में इसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी कितनी है, कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, उस पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, मगर एट अ सी लेवल, सी लेवल पे कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। एट हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीजेस। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस, मतलब 100 डिग्री से वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। वाइल इट डिक्रीजेस एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, अगर प्रेशर लो होता है तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इफ़ देर इज़ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, मतलब सॉल्ट कुछ ऐड है, डिजॉल्व मिनरल्स ऐड है, तो इट बॉइल्स एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर मतलब सॉल्ट अगर प्रेजेंट है या प्रेशर
प्रेशर और सॉल्ट पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिपेंड करता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है। एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, सी लेवल पे 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, मगर अगर डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, डिजॉल्व सॉल्ट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस पर भी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एट अ सी लेवल। सी लेवल पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। इफ देर इज अ इम्प्यूरिटी इन वाटर, यहाँ पर भी अगर वाटर में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, मतलब उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट बिकम अ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर भी क्या होगा, इस पर इफेक्ट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। वहाँ पे अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बिकम लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस। ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1/fp मैं लिख सकता हूँ आपको समझने के लिए। ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं उसको। नाउ डेंसिटी एंड द एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी, यू नो दैट डेंसिटी मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम इज अ डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से हम 4 डिग्री तक अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यूसली इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन। एक्चुअली नेचर क्या है, समझो फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड को हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब ये मेल्ट होने की कंडीशन में एक्सपेंशन होना चाहिए। मगर वाटर का ऐसा नेचर है, वो क्या करेगा, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक हम इंक्रीज करने के बाद वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मगर यहाँ पे 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो आइस का क्यूब है उसके मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एक्चुअली वहाँ पे एज पर नेचर क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, मगर वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो नेचर है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉमस एक्सपेंशन। ओके, वी कैन से दैट व्हेन वी कूल डाउन द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, अगर 4 डिग्री टेम्परेचर अभी प्रेजेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री से भी हम अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब 0 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा, देर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब समझो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, सॉलिड स्टेट में अभी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, मतलब आइस है। ओके, तो आइस को अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करके 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली एज पर नेचुरल क्या होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, मगर वो वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इफ़ सेम अपोजिट, अगर 4 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है वाटर का, तो उसको हम और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो नेचुरली क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मगर यहाँ पे क्या होता है, एक्सपांशन होता है उसका, एक्सपांशन होता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द, ये जो बिहेवियर है वाटर का उसको बोलते हैं एनालॉमस बिहेवियर और एनालॉमस एक्सपांशन बोलते हैं। एक्सपांशन क्यों, ये एक्सपांड हो रहा है इसलिए एक्सपांशन बोलते हैं, दैट इज एनालॉमस बिहेवियर। व्हेन हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री टू 100 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री से, अभी हमने देखा है कि 0 to 4 करने के बाद वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मगर 0 to 100 करने के बाद वो क्या करेगा, एज अ नॉर्मल लाइक एक्ट करेगा, मतलब वहाँ पे एक्सपेंशन होगा एज लाइक अदर सब्सटेंसेस एंड फॉर्म अ लिक्विड। सिंस वाटर कॉन्टैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम द 0 to 4 डिग्री एंड एक्सपांड, और एक्सपेंशन होगा उसका 4 डिग्री टू 100 डिग्री, इट्स वॉल्यूम इज स्मॉलर एंड द डेंसिटी एट इज अ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अभी डेंसिटी के केस में वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी,
4 डिग्री सेल्सियस भी होगी। क्यों? क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल अभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 100 से हमने कहाँ तक लिया, 4 तक लिया, तो यहाँ पर तक वो कॉन्टैक्ट हो गया, इसके मोल की क्या हो गए, कॉन्टैक्ट हो गए। तो कॉन्टैक्ट 4 से भी हमने कम कर दिया, मतलब 0 तक कर दिए, तो और कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका क्या होगा, डेंसिटी हाइएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, हेंस वाटर इज हीवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि वाटर सबसे ज़्यादा हीवी कहाँ पे है, 4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कौन से टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ड्यू टू द एक्सपांशन द वॉल्यूम ऑफ आइस एज जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक्सपांशन होने से क्या होगा, वॉल्यूम 0 डिग्री पे ज़्यादा होगा और 4 डिग्री पे कम होगा। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। 0 डिग्री पे वाटर की क्या होगी, डेंसिटी कम होगी वाटर से। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए ये जो वाटर का सरफेस है, आइस क्यों फ्लोट होता है, क्योंकि आइस से इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है, कम है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट होता है। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अभी ये जो एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, या वाटर का जो एनालॉमस बिहेवियर है, इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, इन कोल्ड रीजन, जो कोल्ड रीजन्स है वेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल डाउन द 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो। वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड एंड टेक्स कूल डाउन एंड फ्रीज इन टू द आइस। इसका क्या हो गया, सरफेस का आइस बन गया। ओके, द फ्रोजन आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो नीचे जो वाटर, इसके नीचे क्या है, वाटर है, क्योंकि आइस तो फ्लोट हो रहा है ऊपर, तो नीचे की क्या है, यू नो दैट वाटर क्या है, बैड कंडक्टर है, तो नीचे की जो हीट है वो क्या करेगा, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ वाटर। तो नीचे लोअर लेयर से हीट लॉस करने से प्रिवेंट करता है, तो उसमें क्या होगा, दस द वाटर बिलो लेयर, जो इसके जो फ्लोटिंग आइस के नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, मतलब 0 डिग्री से भी ज़्यादा है। उसका इफेक्ट क्या है, मतलब उसका एडवांटेजेस क्या है, विच हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट अंडरनीथ। मतलब जो नीचे जो कुछ फिश है, जो कुछ एक्वेटिक लाइफ जो प्रेजेंट है, उसको फ़ायदा होगा, वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, 0 से ज़्यादा है, 0 डिग्री से ज़्यादा है। नाउ द गैसेज डिजॉल्व इन द वाटर एंड देयर इम्पोर्टेंस। एम्फोटेरिक गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी डिजॉल्व हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व हो सकता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विलेंस ऑफ द मेनी एक्वेटिक एनिमल्स यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। जो फिश है वो क्या करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो क्या रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ वेरी इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे उसमें डिजॉल्व करते हैं, तो इसलिए वहाँ से बबल्स वगैरह बाहर निकलते हैं। ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल, दैट इज अदर गैसेज लाइक अमोनिया, क्लोरीन, मिथेन एंड नाइट्रोजन कैन ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ये भी डिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ वाटर कंटेंस डिजॉल्व सॉलिड। वाटर में सॉलिड कौन से डिजॉल्व रहते हैं, सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, मिनरल, मेटल्स और आयंस विच आर कॉल्ड एज TDS, दैट इज उसको हम कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। हम घर पे जो RO बिठाते हैं, तो RO बिठाते वक्त उसके अंदर TDS जो लेवल रहता है, TDS मतलब क्या, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अपने घर के जो ड्रिंकिंग वाटर है उस ड्रिंकिंग वाटर में कितने सॉल्ट प्रेजेंट है, उस पर हम वो जो मेम्ब्रेन रहता है RO में उसकी सेटिंग करते हैं। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड मतलब उसमें सॉल्ट अगर ज़्यादा है तो उसको सॉल्ट हम रिमूव करके पानी फिल्टर करके पीते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज टोटल डिजॉल्व सॉलिड। मतलब उस वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है और मेटल्स भी प्रेजेंट है, तो उसका इंडिकेटर है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ओके, द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। द वाटर एक्ट एज अ मीडियम टू डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड दैट लिविंग थिंग्स इट। जो हम पानी पीते हैं उसमें
जो खाना वो खाते वक्त वाटर क्या करता है, एज अ मीडियम एक्ट करता है जो न्यूट्रिशंस है वो डिजोल्व करने के लिए, जो मिनरल्स है वो डिजोल्व करने के लिए, जो फूड के अंदर न्यूट्रिशंस और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको डिजोल्व करने के लिए वाटर काम करता है, एज अ मीडियम काम करता है। दिस हेल्प इजी फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। द एब्सॉर्ब द फूड, जो हम फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो कैरी करके वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो ब्लड के फॉर्म में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वाटर का हेल्प होती है। नाउ इवन द वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी लाइक स्वेट, यूरिन एक्सेट्रा आर द सोल्यूबल इन वाटर। इवन जो वाटर, जो फूड खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होके हमारे बॉडी से एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यू नो दैट सॉल्वेंट मतलब क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। वॉट इज सोल्यूट, सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, सॉल्ट इज अ सोल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट वाटर इज अ सोल्यूशन। मतलब सोल्ट मतलब क्या, जिसको डिजोल्व करना है उसको कहते हैं सोल्यूट, जिसमें डिजोल्व करना है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और दोनों का मिक्सचर उसको कहते हैं सोल्यूशन। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर कैन डिजोल्व अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ द सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। वाटर में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं अदर लिक्विड्स के कंपेयर में, तो इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें मैक्सिमम चीज़ें डिजोल्व होती रहती हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि सभी चीज़ें उसमें डिजोल्व होती है। नो, ऑल सब्सटेंसेज डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल वेन सॉल्ट इज एडेड टू अ वाटर एंड स्टर्ड इट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, बट सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। सॉल्ट डिजोल्व होता है मतलब सैंड डिजोल्व होगी क्या, नो। सो द सब्सटेंस दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल। जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं उसको हम कहते हैं सोल्यूबल इन वाटर, एंड द सब्सटेंसेज दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर, जो उसको हम कहते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। सिमिलरली लिक्विड्स दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एज मिसेबल लिक्विड्स। ओके, जो लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंसेस है, अगर लिक्विड कुछ लिक्विड है, समझो लेमन जूस है, लेमन जूस क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो लेमन जूस क्या है, विनेगार अल्कोहल वो ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो उसको कहते हैं हम मिसिएबल लिक्विड्स। मिसिएबल लिक्विड्स मतलब ऐसा लिक्विड जो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, एंड लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर दैट इज कॉल्ड एज इमिसिएबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, ऑयल डालने के बाद पेट्रोल या ऑयल अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा। समझो ये ग्लास है, इसमें वाटर है, वाटर में समझो हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल का एक सेपरेट लेयर वहाँ पे हमें दिखेगा, इट विल नॉट डिजोल्व इन, तो उसको हम कहते हैं इमिसिएबल लिक्विड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में।